धाबी कंपनी जो कि 40 साल पुरानी दुबई कंपनी है जबरदस्त, उसका क्लाइंट इंटरव्यू 13 मार्च को है। आप सारा ट्रेड देख रहे हैं, टोटल एक से लगा के 12 ट्रेड है, जबरदस्त तनख्वाह है मेरे भैया। दूसरा इंटरव्यू देखिए जो है अल तुर्की अल तस्नीम कंपनी उमार की जबरदस्त कंपनी है, जिसमें टोटल 3 ट्रेडों का इंटरव्यू है, 9 मार्च को है। कंपनी खाना रहना सब फ्री देती है। और तीसरा इंटरव्यू पाइन वुड कंपनी का है, फर्नीचर कारपेंटर फर्नीचर पॉलिशर चाहिए, जबरदस्त कंपनी है, सैलरी भी अच्छी है। और यह भैया टॉप रो कंपनी है जो कि दुबई एंड सऊदी में दोनों है। टोटल 9 ट्रेड चाहिए, एचवीएसी से लगा के एसी डक्टमैन हेल्पर तक टोटल 9 ट्रेड चाहिए। इसमें रहना खाना सब कुछ फ्री है आपका। यह तीसरा इंटरव्यू 6 मार्च को यानी कल है, जिसमें टोटल 4 ट्रेड चाहिए, मैकेनिकल हेल्पर भी चाहिए। मैकेनिकल हेल्पर में जाते हैं, आप इन ट्रेडों का काम सीख के जिंदगी बना सकते हैं दोस्तों। तो सलाम आदाब नमस्कार कबूल करिए। आप यह मत सोचिएगा कि आप मुझे मोबाइल पे देख रहे हैं, आपके साथ बैठा हूं मैं, महसूस करिए। और आपका नाम मैं जानना चाहता हूं भाई साहब, सिर्फ आपका नाम मैं जानना चाहता हूं। तो और बात भी आपसे करना चाहता हूं, आपके सवालों को हर एक जवाब देना चाहता हूं। हर बार आप छूट जाते हैं, अगर आप बात करना चाहते हैं तो इस तरीके से मोबाइल में मैं आपके दिख रहा हूं। आपको सबसे पहले तीर वाला जो बटन है भैया, ये तीर वाला जो बटन आप देख रहे हैं, तीर वाले बटन को दबाना है, और दबाने के बाद यहाँ पे शेयर दबा देना है। दूसरी बार भी तीर वाले बटन पे दबाना है, यहाँ पे दबाते ही यहाँ आपको जो है नीचे इधर थोड़ा सा खिसकाएंगे ग्रुप मिल जाएगा, ग्रुप पे दबा के और जितने ग्रुप में सारे कोशिश करिए ग्रुपों में आप शेयर कर दें। इस तरह से जितने ज़्यादा ग्रुपों में आप शेयर करेंगे, जितने भी ज़्यादा, मैं समझूंगा कि आप मुझसे उतना ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। उसके बाद बात करने के लिए यहाँ पे दो आदमी का फोटो बन के आ रहा है, सेंड रिक्वेस्ट कर पे जो है दबाएंगे या सेंड रिक्वेस्ट दबा देंगे। आप अपना नाम लिखना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख के टाइप कर सकते हैं। आप टाइप करेंगे तो देखिए, जैसे कि मैं अपना नाम लिखा हूँ इमरान हुसैन लिख के आ रहा है, नीचे मैंने अपना नाम लिख दिया है। और देखिए यहाँ पर शेयर बटन भी आ गया है और यहाँ पर डायमंड भी आ गया है और आ भी गया कि एक शेयर में ग्रुप में मैं शेयर किया हूँ। तो जो लोग शेयर करते हैं उनका सबसे पहले मैं जवाब देता हूँ, उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। तब तक आप शेयर करिए, तब तक मैं पूरा का पूरा रिक्वायरमेंट विस्तार से बता देता हूँ आपको। यह देखिए 13 मार्च को जो है धाबी कंपनी का क्लाइंट इंटरव्यू है, और इसमें जो है टोटल जो है 12 ट्रेड के आदमी चाहिए, ड्यूटी 8 घंटा है। पहला जो है इलेक्ट्रीशियन चार्जेंट चाहिए, 1700 दरहम सैलरी है, इंडिया का भी जितना होता है साफ लिखा गया है। दूसरा चार्जेंट डक्टमैन चाहिए, 1700 दरहम सैलरी, इंडिया का 38400। चार्जेंट चिल्ड वाटर पाइपलाइन का चाहिए, 38400 सैलरी है। चार्जेंट प्लम्बर चाहिए, 38400। इलेक्ट्रीशियन का 26000 रुपये सैलरी, इसका फोल्डर का 28300 सैलरी, इंसुलेटर का 26000 सैलरी, प्लम्बर का 26000 सैलरी, पाइप फिटर का जो है 26000 सैलरी, डक्टमैन का 26000 सैलरी, मेसन का 26000 सैलरी और हेल्पर का 18000 रुपये सैलरी है दोस्तों। इंडिया का प्लस ओवर टाइम है जो भी लिखा गया, ओनली 8 घंटे का ड्यूटी है, 8 घंटे के बाद रोज जो है कंपनी में ओवर टाइम चलती है, ठीक है। जो भी कंपनी बता रहा हूँ सारे कंपनी का जो है एम्प्लॉयमेंट वीजा है। और ये देखिए अल तुर्की अल तस्नीम कंपनी का क्लाइंट इंटरव्यू 9 मार्च को है, जिसमें स्ट्रक्चर सुपरवाइजर, स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर और स्ट्रक्चर फिटर चाहिए। सैलरी आप देख रहे हैं 43000, 25000 और 25834 और 30681 रुपये है। कंपनी रहना खाना सब कुछ इसमें फ्री देती है दोस्तों, तो 9 मार्च को भी ज़रूर से ज़रूर आइएगा। यह जो है 7 मार्च को पाइन वुड कंपनी है, जो कि बहुत ही बेहतरीन दुबई कंपनी है, जिसमें फर्नीचर कारपेंटर फर्नीचर पॉलिशर चाहिए, 1450 से लगा के 1500 सैलरी है। और जो भी मैं बता रहा हूँ सब में जो है जो भी दुबई का है 20 साल से लगा के 45 साल तक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 8 घंटे की ड्यूटी है प्लस 1 घंटा छुट्टी रहता है इसमें लंच के लिए। तो यह जो है आप तीसरा इंटरव्यू है जो हमारा टॉप रॉक इंटीरियर करके 7 मार्च को ये भी इंटरव्यू है, जिसमें एचवीएसी सुपरवाइजर चाहिए। सैलरी जो है इसमें देखिए जो भी सैलरी लिखा है 8 घंटे का प्लस इसमें रहना खाना सब कुछ कंपनी फ्री देती है, रहना खाना सब कुछ कंपनी फ्री देती है, इस चीज़ को ध्यान देंगे आप। एचवीएसी सुपरवाइजर का 2500 दरहम सैलरी है, एचवीएसी टेक्नीशियन का 1300 दरहम सैलरी है, एसी डक्ट फैब्रिकेटर का 1100 दरहम, एसी डक्टमैन इरेक्टर इरेक्शन एंड इंसुलेशन का
1100 दरहम, चिल्ड वाटर CHW पाइप हीटर चाहिए 1000 दरहम, और जो है पाइप वेल्डर CHW चिलर वाटर चिलर कुछ बोलते होंगे इसको CHW को, ध्यान दीजिएगा आप लोग, 1000 दरहम से ले चाहिए। इलेक्ट्रीशियन 1200 दरहम, प्लम्बर 1000 दरहम, और AC डक्टमैन का हेल्पर चाहिए जो कि 700 से 800 दरहम सैलरी है। और ये आइए छठवें नंबर पे भैया, कल मैकेनिकल हेल्पर का 900 दरहम सैलरी मिल रहा है। ये बहुत ही ज़रूरी है, जो साथी को काम नहीं मालूम है वह जो है मैकेनिकल हेल्पर में जा सकते हैं और काम मैकेनिकल का सीख सकते हैं। मैकेनिक मतलब गाड़ी वाला मैकेनिक मत समझिएगा, जैसे मैकेनिकल ट्रेड होता है, वेल्डर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, ये लोग मैकेनिकल में आते हैं, तो वही आपको हेल्पर का काम करना रहेगा, ठीक है। और प्लम्बिंग फोरमैन भी चाहिए, इसमें सैलरी देखिए 90,300 रुपये है प्लम्बिंग फोरमैन का। प्लम्बिंग चार्जेंट का 36,000 रुपये सैलरी है 8 घंटे का। प्लम्बर का जो है 29,400 रुपये सैलरी है, और असिस्टेंट प्लम्बर का 25,000 सैलरी है, और मैकेनिकल हेल्पर का 20,000 रुपये सैलरी है। 8 घंटा ड्यूटी है प्लस रोज ओवर टाइम है। जो भी कंपनी में बता रहा हूँ सारे कंपनियों में एम्प्लॉयमेंट वीजा है, 2 साल के बाद आते हैं तो 2 महीने का जो है आपको सैलरी बोनस में मिलता है, प्लस आने जाने का दोनों टिकट आपको मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को, मौका छूट ना जाए। अभी जो है मैं बात करना शुरू करता हूँ, देखते हैं हमारे जो है कौन कौन से साथी हैं जो बात करना चाहते हैं। ये हमारे सुनील भैया हैं, शेयर किए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील भैया। और जो है हरिओम सिंह राणा भाई हैं, ये भी शेयर किए हैं, और संदीप सिंह भैया हमारे हैं, ये भी हमारे वीडियो को शेयर किए हैं, मैं आपको भी कॉल लगा रहा हूँ। राजकुमार चौहान साहब हैं, ये भी वीडियो को शेयर किए हैं, आपको भी मैं कॉल लगा रहा हूँ। जो भी साथी बात करना चाह रहे हैं आप देखिए छूट मत जाइएगा, मैं लगा रहा हूँ कॉल, और जो है सारे साथियों से मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ पूरा का पूरा। पहले साथी हमारे देखते हैं कौन जुड़ते हैं, MD शोएब भाई हैं, आपको भी कॉल किया हूँ जी। हेलो संदीप, नमस्कार, क्या हाल है? बहुत बढ़िया, कहाँ बात कर रहे हैं? देखिए ज्यादा साथी जुड़ गए, हेलो संदीप भाई क्या हाल चाल है, कहाँ से आप बात कर रहे हैं संदीप भाई? बढ़िया सर, देवरिया से बात कर रहे हैं। क्या काम करते हैं आप? अरे सर फर्नीचर कारपेंटर काम करते हैं, 10 जनवरी तो आइए ना, आप आइए, ये जो है इंटरव्यू है आपका 7 तारीख में पाइन वुड का, आप आइए एक बार और इंटरव्यू दीजिए भैया। और कोई साथी है जो बात करना चाहते हैं? तारिक शेख साहब है, नमस्कार राहुल भैया, नमस्कार तारिक भाई, सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों का? देखिए कोई भी, देखिए कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ उसको नोट कर लिया करिए, किसी भी ऑफिस में आप इंटरव्यू देने जाते हैं कुछ चीजें आपको बहुत जरूरी है लेके जाना, ठीक है। पहला अपना ओरिजिनल पासपोर्ट रख लीजिए, फोटो जरूर रख लीजिए आप, अपना रिज्यूम बनवा लीजिए, और जो है जो भी ट्रेड का आपका है उससे रिलेटेड जितना भी पेपर है वो भी रख लीजिए, पढ़ाई लिखाई का भी पेपर रख लीजिए, ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों भी, वो ही आपके काम आएगा। ये नहीं कि आप जा रहे इलेक्ट्रीशियन में एक पेपर इलेक्ट्रीशियन का है, बीच में कहीं प्लम्बर लिखा है, तीसरे में कहीं हेल्पर लिखा है, पूरा क्लाइंट फर्जी समझ लेगा। तो आप अच्छे से चेक करके ले करिएगा, क्योंकि मैं देखता हूँ क्लाइंट पूछता पेपर, हाँ हाँ सर पेपर है, निकालना इलेक्ट्रीशियन को पता चल निकाल दिए, सटरिंग कारपेंटर का तो भी देखता है, अरे इलेक्ट्रीशियन का मानने के लिए कारपेंटर का पेपर निकाल रहा है। तो ये सब चीजें जो भी है दुरुस्त करके लाना है, ओरिजिनल एक साइड रखना और फोटोकॉपी वाला एक स्टेपलर कर देना है और एक फाइल बना लेना है, ठीक है। इस ध्यान दीजिए, बाबू चौहान भैया हमारे हैं, सुलू बख्तियार साहब हैं शेयर किए हैं, बबलू चौहान भैया हैं, और जो है अरुण कुमार शर्मा साहब हैं, वो आपको भी लगाया हूँ, छोटू भैया हमारे हैं। हेलो 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 वालेकुम सलाम, कहाँ बात कर रहे हैं भैया? हम तो सर जी गोरखपुर के हैं, मगर अभी कतर में है फिलहाल। क्या कहा, क्या हाल है कतर का? कतर में तो थोड़ा काम वम स्लो है, पहले हमारा कतर में कंपनी हुआ करता था जान लीजिए, लेकिन कंपनी को हमने बंद कर दिया जान लीजिए। आपका वीडियो देखा मगर आपसे मुलाकात नहीं हुआ। कौन से कंपनी में है? सनैया में कहाँ है आप? मैं सनैया स्ट्रीट 4 में हूँ। अच्छा बलदिया ऑफिस के सामने। हाँ हाँ, क्या काम करते हैं भैया?
कार वॉशिंग का काम है, मैं जाफरा बाजार का रहने वाला हूँ। अच्छा, जाफरा बाजार तो आपका गोरखपुर में ही है, बगल में ही तो है। हाँ हाँ बस आने की तैयारी है, अभी छुट्टी मिल गई है और हाँ हिसाब किताब तो का है, फिर रमजान इंशाल्लाह ईद घर पे ही करेंगे। हाँ कहाँ है, रिजवान बार क्या रहे हैं क्या? वो इधर थोड़ा काम है ना, तो भाग के काम कर रहा ना 3 साल से, इसके लिए अब घर आएगा। 3 साल एक ही बार गए में 3 साल हो गया, कुछ 3 साल हो गया, अलहमदुलिल्ला पैसा सब बनाया है कि नहीं? बनाया। ये एक ही दिक्कत है मेरे भाई, विदेश में आदमी मान लीजिए 3 साल में पैसा कमाता है और घर आता है, अगर 1 साल भी रुक जाए तो सब बराबर हो जाता है, नहीं होता है? 6 महीने में बराबर हो जाएगा सद्दाम भाई, साल 6 महीने। भर में मैं देखता हूँ, रियली मैं अपनी दिल की बात बता रहा हूँ मेरे भाई, विदेश जो साथी रहते हैं गए पहले मेहनत खूब कमाए, एक तो पता नहीं क्या जैसे विदेश जाते हैं वैसे घर वालों को भी जरूरत पड़ जाता है, हर एक महीने टाइम टू टाइम सैलरी चाहिए। सैलरी में से जो बहुत समझदार लोग होते हैं वो कुछ बेचारे बचा के भी रखते हैं कि भाई चलो जाएंगे तो कुछ काम पड़ेगा, अपने लिए हिफाजत करके रखते हैं, और घर आते हैं तो पता चला 3 साल पहले जिस हालत में गए थे विदेश उसी हालत में आ गए। तो सबसे जरूरी क्या है मेरे भाई, कमाने से भी रियल जरूरी है बचाना। अगर आप अपनी सेविंग नहीं कर रहे हैं, भले ही हम रोज का 10 रुपया कमा रहे हैं, 1 ही रुपया बचाएं, 2 ही रुपया बचाएं, लेकिन बचाना जरूरी है। आप लोग भी देखिए, वीडियो देख रहे हैं, विदेश जाने के लिए देख रहे हैं, विदेश जाने के बाद रियल में जो है हर एक चीज को मेंटेन करके जो आदमी बचा लेता है ना वही राज करता है, जान लीजिए। नहीं तो सबका सपना क्या होता है, विदेश एक सफर जाए आप खूब ढेर के पैसा कमाई, आके दुकान खोला अपन बिजनेस चलाई, लेकिन बेचारा जाता तो है कमाता भी है लेकिन बचा नहीं पाता है। आप पता चला आया, आने के बाद 2 महीना 3 महीने रहा तो इस तरीके से अच्छे विदेश में रहो, चल अब विदेश फिर तैयारी मारो, फिर ये ऑफिस वापिस घूम के इंटरव्यू मारना शुरू कर देता है। तो मेरी राय है कि आप विदेश कब सोचे छोड़ने के लिए, जब यार ठीक ठाक पूंजी हो जाए, समझ रहे हैं? और कितने लोग होते हैं अवतार जाते हैं कंपनी में गए और कंपनी में जाने के बाद 6 महीना साल भर कमाए थे वह रिजाइन मारे, ऐसे बढ़िया कंपनी में अब आएंगे, पता चला वो तो कंपनी छूटी छूटी उससे खराब दूसरी बार में कंपनी मिल गई, तो दूसरे बहकावे में नहीं आना चाहिए। और कोई साथी है जो बात करना चाहता है, एक बार वीडियो को शेयर करिए ताकि हम बात कर सकें। और कोई साथी है, चंद्रदेव भैया हमारे हैं, बैरंगी, चंद्रदेव बैरंगी लिखे हैं, पता नहीं असली नाम क्या है, और खुर्शेद अहमद साहब हैं, आपको भी मैंने कॉल किया है। नीरज भाई हैं, आपने भी वीडियो शेयर किया, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज भाई। और कोई साथी है जो बात करना चाहते हैं, और जो है हमारे चंदे भैया आपको लगाया तो हूँ कॉल रिसीव करिए, संदीप भैया छपरा से हमारे देख रहे हैं, और सब्बीर हुसैन साहब हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपने शेयर किया है। जी चंदे भैया नमस्कार, कहाँ से देख रहे हैं भैया? नमस्कार सर, मैं मलेशिया से देख रहा हूँ अरे सर। रे, 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 क्या हाल चाल है मलेशिया का? हाल चाल तो सर बहुत ठीक ही ठाक है, लेकिन मैं तो आपको बहुत दिन से कांटेक्ट करना चाहता हूँ, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है आपसे सर। क्या बिजी रूजिट में नहीं गए मलेशिया? नहीं, कॉलिंग में आया हूँ। अच्छा, क्या काम करते हैं? यहाँ गार्डन में काम करता हूँ, खेती बाड़ी का ही काम है, फूल का काम होता है। अच्छा, और बताइए तो मुझे मलेशिया कब कितना दिन हुआ गए हुए? तो बहुत दिन हो गया सर, मैं 10 साल से हूँ यहाँ पे। क्या बात, एक ही बार गए हुए 10 साल हो गया? नहीं छुट्टी में गया आया, छुट्टी में गया आया ऐसा ऐसा कही आप तो डरा दे, हम सोचे बंगाली भाई लोग है। जाते थे एक एक साल 10 10 साल, आप भी एक ही बार गए 10 साल हो गया नहीं, क्या? यहाँ पे तो बंगाली, फिलहाल तो मलेशिया में आपको तो मालूम ही है बंगाली तो बहुत ज्यादा ही रहता है यहाँ पे, हाँ बंगाली तो भरा हुआ है हाँ सब हाँ जगह ही। तो तो मैं क्या काम आपसे करते इसलिए हैं एक कांटेक्ट बार करना चाहता दिखाइएगा महाराज, मोइला उल्टा करके ऐसा लग रहा है आप इंडिया में बिल्कुल। बैठे हैं। नहीं, मैं हूँ अभी गार्डन में हूँ, मैं हाँ आपको दिखा रहा हूँ 1 मिनट। हमें देख रहे हैं मलेशिया इंडिया में तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। अच्छा बड़ा फार्म हाउस है? हाँ? ये फूल का है, ये फूल है, अच्छा ये सब फूल है, फूल पूरा का का यहाँ पूरा पे खेती होता है ज्यादा। टेंट के अंदर खेती की जा रही है? हाँ वो ऊपर में ये पांग लगाया हुआ देख रहे हैं, ये पूरा पांग है, हाँ। अच्छा ये गार्डन लाइन मौसम में है। इंडिया में वहां में कुछ ज्यादा फर्क है कि नहीं फर्क है मलेशिया और यहाँ के? यहाँ मलेशिया
में दो तरह का मौसम है, आप जो समान जगह है ना, जैसे इंडिया का समान जगह होता है तो वहाँ पे जो है गर्मी कुछ ज्यादा होता है, और ये पहाड़ी इलाका जो है ना यहाँ पे मतलब थोड़ा सा अगर गर्मी महसूस होता है कि बारिश होना चालू हो जाता है, ऐसा अभी भी बारिश हो रहा है। अरे वाह, ठीक है बहरंगी भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और कोई साथी है जो बात करना चाहते हैं? सोनू गुप्ता भाई जिप्सम कारपेंटर का आता रहता आज, कभी भी। कामदेव दास भाई हैं, दो दो बार हमारे भैया शेयर कर दिए हैं। और जो है इस्लाम खान साहब हैं जो हमको कुबे से देख रहे हैं। और जो है कोई साथी है तारिक शेख साहब, एक बार और शेयर करिए और सेंड रिक्वेस्ट करिए, मैं बात करता हूँ। एमडी नहीं भाई, पूछिए ना क्या जानकारी चाहिए। इस्लाम भाई सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। और कुवैत का क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बड़े भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हाँ अच्छा, कितना दिन से हैं वहां पे कुवैत में? हेलो, देखिए कट गया। सुनील भैया हमारे हैं, सुनील भैया को भी कॉल लगा रहा हूँ। बबलू चौहान भैया हैं, सब्बीर हुसैन साहब आपको कॉल तो लगाया था, आप कुछ बोल ही नहीं रहे। सब्बीर भाई दोबारा लगा रहा हूँ। इंद्रेश भैया ने शेयर किया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी एक बार शेयर करिए ताकि नाम ले आपका। सब्बीर भाई सलाम वालेकुम, हेलो। देखिए कट जा रहा है। एमडी नसीर भाई आप टाइप करके भेजिए ना क्या जानकारी चाहिए, मैं पूरा जानकारी दे रहा हूँ। अरुण कुमार शर्मा साहब हैं, जिप्सन कारपेंटर का हरदम रहता है। और कोई साथी है जो बात करना चाहते हैं? एमडी तारिक शेख साहब कैसे हैं आप? एसी एचवीएसी का है भैया इंटरव्यू, 7 तारीख को आइए, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई साथी है कतर का? सब्बीर भाई आपको मैं तीसरी बार कॉल कर चुका हूँ। भानु प्रताप भैया हमारे शेयर कर दिए, ठीक है। बबलू चौहान साहब मानना चाहते हैं तो आइए ना, मैं आपको कॉल लगा रहा हूँ बबलू भाई। और कोई साथी हैं जो बात करना चाहते हैं? तारिक शेख साहब, ये देखिए मैंने आपको कॉल लगा दिया। और कोई साथी हैं? जी बोलो भैया नमस्कार, नमस्कार नमस्कार भैया, बोल और रहे हैं क्या हो पोलंबर ट्रेड है रहा आपका, है? तारिक क्या हो रहा है अभी? घर पे साहब हैं अभी सलाम रोड पे। कहाँ वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, से बात कर कैसे? रहे तारिक भाई? हम सऊदी से बात कर रहे हैं भजन। अच्छा, क्या काम करते हैं सऊदी भैया? अच्छा, सऊदी में हम स्टारबक्स में हैं, ये स्टारबक्स स्टारबक्स रेस्टोरेंट जो है। हाँ जी हाँ, आपके पास हम दो आदमी भेजा है। अच्छा, कौन से डेट में भेजे हैं भैया? देखिए कट गया। हेलो बबलू भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। ये महाराज खाना ना खा सो गए क्या? नहीं सोया नहीं, आप ही का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, कब लाइफ आइएगा तो बात करेंगे हाई तो। हाई दिया है बेड़वा में तो बहुत, चल लकड़ी का बेड है कि प्लाई नहीं, वाला है वो? घर पे है अभी, आना चाहते हैं हाँ इंटरव्यू मारने के लिए। ठीक है, क्या अभी काम घर पे करते है, हैं, काम क्या करते हैं? प्लम्बर के काम करते हैं। बस का इंटरव्यू मार, कितना बढ़िया पलंग है, आराम से सोइए खाइए, जिंदगी नहीं में क्या हाँ, है? बेरोजगार बने हुए हैं घर पे, कोई काम वम है नहीं है, क्या बड़ी बहुत करेंगे। समस्या की बात है बोलो भैया। देखिए अगर हम ही है काम छोड़ दिया, आराम कर रहे हैं तो मन करेगा कितना आराम करें, आ कहीं गलती से 6 महीना बैठ गए घर पे तो काम करने का एकदम मने नहीं करेगा, एकदम मने नहीं करेगा। 1 साल बैठ गए तो ये लगेगा भाई कुछ भी हो जाए लेकिन हम कहीं जाए नहीं, कमाए करते, बहुत मजबूरी आ जाता तब आदमी निकलता है। इसलिए अपने शरीर में जंग मत लगने दीजिए एकदम, थोड़ा सा भी इतना आलस आ जाएगा आप जैसे बबलू भैया लिटिया गए एकदम बेड पर सूत के कि आदमी कहेगा अरे यार क्या हो गया। कुवैत का रिक्वायर, कुक का है भैया, कुक का है, कुक का है, आता रहता है दो चार रिक्वायरमेंट। सुनील भाई आइए ना, आपका तो 13 तारीख को है इलेक्ट्रीशियन का, तेरे को भी आउटडेट में देख लीजिए। और कोई साथी है जो बात करना चाहते हैं? एमडी नसीर भाई लगाया हूँ कॉल में आपको। और कोई साथी है जो बात करना चाहता है? जी सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम सलाम, बोलिए ना नासिर भाई क्या हाल चाल है आपका? बोले दिखाई दे रही है, ओनली कटा हुआ है सर। तो कतर इम्कान के आप लिए तो एक सिलेक्ट बार हुए आए थे? थे ना ऑफिस में हमारे, हाँ, कतर इम्कान के लिए सिलेक्ट हुए थे सर।
तो उसमें रिजेक्ट हो गया। अभी सर लेकिन उंगली का देखिए, हम लोग झूठा जानकारी कभी नहीं बताते हैं। हाँ तो सर वही जानकारी चाहिए सर। इंटरव्यू दिए, पास भी हुए, लेकिन होता क्या है ना कि ए फिंगर होता है, कतर वगैरह हम जाएंगे तो ऐसे 5-10 उंगली का फिंगर होता है और एक भी उंगली का नहीं आता है तो फिर मुश्किल हो जाता है। क्या काम करते हैं आप? सर हम मैकेनिकल इंजीनियर हूँ सर, और मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है मैकेनिकल साइट इंजीनियर का। तो सर वहाँ ओमान के लिए एलिजिबल हूँ सर, स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए, स्ट्रक्चर सुपरवाइजर के लिए। आइए, ओमान से क्लाइंट आ रहा है, बात कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है? बिहार दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से आना जाना सर, डबल, इसलिए सर पूछ ले। नहीं करना तो पड़ेगा, अभी हम नहीं बोल दे और उसके बाद पता चले कोई जुगाड़ हो बोल दे हाँ ठीक है, हम बुरा क्यों? अभी तो कतर का तो मैं 100% श्योर हूँ, कतर का हो गया और सऊदी का हो गया, जहाँ फिंगर होता है आईडी बनता है वहाँ के लिए तो मुश्किल है। जहाँ का मैं 100% श्योर हूँ वही तो मना करूंगा, जो हमको नहीं मालूम है क्यों मैं मना करूँ? हो सके आप आए, आपका काम बन जाए, जान लीजिए। दुबई के लिए सर अगर कोई नहीं है अभी अभी फिलहाल में सर, दुबई में, दुबई का नहीं है, दुबई का, दुबई ये अच्छी कंपनी है, अल तुर्की अल तस्लीम बहुत अच्छी कंपनी है, कम से कम ने 70-80 बंदे मेरे वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो भी 3 सालों से, कोई दिक्कत नहीं है। खाना तो ऐसा मिलता है वहाँ पे कि माने पूछे नहीं, बफर सिस्टम है जान लीजिए वहाँ पे, फल फ्रूट काट के रखा गया है, एक तरफ जो है दही रखा है, इस टाइप से मेस है। हम भी वहाँ पे खाना खाए हैं जान लीजिए, बहुत ही जबरदस्त। ठीक है तब तो हम आते हैं 9 तारीख को, है ना? 9 तारीख को आप आइए, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई साथी है जो बात करना चाहते हैं? सब्बीर हुसैन साहब आपको तो लगाए हैं, ब्लास्टिक आरजे उदय भाई आता रहता है, कभी भी आ जाइए। एसी टेक्नीशियन एचवीएसी टेक्नीशियन का है। और कोई साथी है जो बात करना चाहते हैं? पाइप फीटर का सोनू भैया है नहीं महाराज, एक बार हम बता रहे हैं, आप लोग फिर से देख लीजिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे क्या है, ठीक है? अब देखिए यह जो है पहला इंटरव्यू जो है उसे तो 6 तारीख से स्टार्ट है, लेकिन मैं लास्ट से शुरू करता हूँ 13 तारीख को। 13 तारीख को टोटल 12 ट्रेन का आदमी चाहिए, चार्जेंट इलेक्ट्रीशियन चार्जेंट चाहिए जो कि 38,400 है, चार्जेंट डक्टमैन चाहिए 38,400, चार्जेंट चिलर चिल्ड पाइप वाटर पाइपलाइन का चाहिए 38,400, चार्जेंट प्लम्बिंग का चाहिए 38,400, इलेक्ट्रीशियन का चाहिए 26,000 रुपए, इसका फोल्डर का चाहिए 28,300 रुपए, और इंसुलेटर का चाहिए 26,000, प्लम्बर का 26,000, पाइप फिटर का जो है आपका 26,000, डॉक्यूमेंट का 26,000, मेसन का 26,000, हेल्पर का 1,800। दूसरा इंटरव्यू जो है देखिए स्ट्रक्चर का है, स्ट्रक्चर सुपरवाइजर 43,000, स्ट्रक्चर सर्टिफिकेटर 25,834 रुपए, स्ट्रक्चर फीटर 23,681 रुपए, रहना खाना फ्री है, मेज जबरदस्त से जान लीजिए। यह जो है दूसरा जो है कल 6 मार्च को क्लाइंट इंटरव्यू है, प्लम्बिंग फॉरमैन चाहिए 90,300 सैलरी है, प्लम्बिंग चार्जिंग का 36,000 सैलरी है, प्लम्बर का 29,400 सैलरी है, असिस्टेंट प्लम्बर का ठीक है 25,000 सैलरी है, मैकेनिकल हेल्पर चाहिए, जो भी साथी आएगा उसका लाइफ बन जाएगा क्योंकि मैकेनिकल हेल्पर का बहुत कम मार्क आता है, टोटल 20,300 है ये सैलरी, 8 घंटे का ड्यूटी है और इम्प्लॉयमेंट चाहे जान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए टॉप रॉक इंटीरियर का जो है क्लाइंट इंटरव्यू 7 मार्च को है, जिसमें एचवीएसी सुपरवाइजर एचवीएसी टेक्नीशियन सैलरी सामने लिखा है जान लीजिए आपका, 8 घंटे का रहना खाना इसके बाद कंपनी फ्री देती है, ध्यान दीजिएगा, एचवीएसी सुपरवाइजर एचवीएसी टेक्नीशियन एसी फैब्रिकेटर एसी डॉक्यूमेंट डायरेक्टर एंड इंसुलेटर चिल्ड वाटर पाइप फीटर सीएचडब्ल्यू पाइप वेल्डर इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर और एसी डक्ट हेल्पर, खाना फ्री। यह पाइन कंपनी का है, 7 मार्च को जो है क्लाइंट इंटरव्यू, फर्नीचर कारपेंटर फर्नीचर पॉलिशर का 1500 दिरहम सैलरी है, और जो है और ये 9 मार्च को मैंने बताया, ये सारे वांट हैं दोस्तों, आप जरूर से जरूर आइए और जो है इंटरव्यू दीजिए, पास हुई या विदेश जाके दो पैसा कमाइए। एक चीज ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, आप लोग देखिए आलस से कुछ नहीं होगा, वीडियो तो आप देख रहे हैं, लेकिन आपको बाहर जाना है, कुछ परिवार के लिए करना है तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा, आएंगे तो ही कुछ पाएंगे मेरे भाई, घर बैठे हुए कुछ नहीं होगा। आजकल जमाना ऐसा चला गया है कि फर्जी लोग आपके घर तक पहुंच रहे हैं, घर में घुस जा रहे हैं, कैसे? आपके मोबाइल के जरिए, मोबाइल पे ही व्हाट्सएप पे वांट आ जा रहा है, व्हाट्सएप ही आप लोग बायोडाटा से भी भेज दे रहे हैं, समझ रहे हैं आप? पता चला वो व्हाट्सएप से ही वीडियो भेज दिया, आप मोबाइल से पैसों भेज दिए, पैसा भेजने के बाद पता चला लो तो फर्जी हो गए, तो ये सब चक्करों में मत पड़िए, अच्छे जगह जाना है, अच्छे कंपनियों में जाना है, किसी भी ऑफिस से जाइए लेकिन क्लाइंट इंटरव्यू दे ही कर जाइए, बिना उसके नहीं जाइए दोस्तों। दीपक सानी भाई है फर्नीचर कारपेंटर का, आइए तो आइए आप लोगों से मिलते हैं इंटरव्यू में, इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर आपको इंटरव्यू कराया जाएगा।